एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 बार बार, मतलब ये 1.42857 बार बार आ रहा है इसमें है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हां तो कैसे? तो यह पूछा गया है कि 1/7, 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857 और इसके ऊपर बार, यानी कि 1.42857 बार बार यही आ रहा है। आप अगर इसको भाग करके भी देखेंगे तो यही आएगा। देखो 1.7 0 तो यहां दशमलव लग जाएगा, 7 × 7 3, 7 × 4 28, 2 × 7 2 = 14, 6 × 7 8 = 56, 4 × 7 5 = 35, 5 × 7 7 = 49, 1 0 = 10 बना। तो अब देखो यही पहुंच गए वापस आ, तो फिर 7 × 7 आ जाएगा, 1 से फिर शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से चलता रहेगा। तो ये बार बार यही आता रहेगा, फिर आ जाएगा 1.42857, फिर 1.4, इस तरह चलता रहेगा। तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये पूछा गया है कि 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कि इनका भी दशमलव प्रसार बता सकते हैं क्या हम? तो एक तो बात है कि बता सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ बता सकते हैं। अब क्या होगा ये देखो, अब देखो 2/7 हमारे पास कितना है, 2 × 1/7, तो ये 2/1 × 7 हो गया, और 1/7 का तो हमें पता ही है कि ये है, तो इसके नाम का तो हमारे पास ये है, तो इसकी 2 के साथ गुना कर देंगे बस हम। इसकी किसके साथ गुना कर देंगे? 2 के साथ गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 4 हासिल 1 × 2 = 10 और 1 = 11, 2 × 8 = 16 और 1 × 17 = 7, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 2 × 4 = 8 और ये 2 × 2 और ये आगे 0, तो ये इसके बाहर आ जाएगा। यहां पे 3 × 1/7 करें तो अब इसकी 3 के साथ गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 × 3 = 21, 1 3 से करें ना, 3 × 7 = 21, 1 2 3 × 5 = 15 और 2 × 17 = 7, 1 × 3 = 24 और 1 × 25 = 5, 2 × 3 = 6 और 2 = 8, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 3 और 1 = 4, तो यहां पे ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/7, तो देखिए हो जाएगा, अब इसको 4 से कर देंगे, 4 × 7 = 28, 8, 2 × 4 = 20 और 2 = 22, 2 × 4 = 32 और 2 × 3 = 34, 3 × 4 = 8 और 3 = 11, 1 × 4 = 16 और 1 × 17 = 7, 1 × 4 = 4 और 1 = 5, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम लिख देंगे 5 × 1/7, अब यहां पे इसकी 5 से कर देंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25 और 3 × 28, 8, 2 × 5 = 48 और 2 = 42, 2 × 4 = 5 × 10 और 4 × 14 = 4, 1 × 5 = 20 और 1 = 21, 2 × 5 = 2 = 7, तो यहां पे इसके ऊपर 12 जाएगा। और इसको लिख देंगे 6 × 1/7, तो ये हो जाएगा 6 से कर दिए, 6 × 7 = 42, 2 × 6 = 42, 2 × 4 = 6 × 5 = 30 और 4 × 4 = 34, 3 × 6 = 48 और 3 × 51, 1 × 5 = 6 × 12, 12 × 5 = 17, 7 × 1 = 6 × 24 और 1 × 25 = 5, 2 × 6 = 2 = 8 और ये। तो इस तरह से मतलब हमें ये यूज करना था लंबी भाग, वैसे तो भाग करके हम कर ही सकते हैं, जैसे 2 है, जैसे हम 2/7 का करें तो 2 × 7 तो यहां पे 0, तो यहां पे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, 0 20 बनाया तो दशमलव आ गया 7, 7 × 2 = 14,
कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1 7 1 7, 3 7 4 28, 2, और ये 0 लगाएंगे तो देखो वही रिपीट हो गया, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4। तो देखो ये हमें भाग करने से मिल रहा है और यहां से हमें जब जस्ट सिंपल मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।